व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज के इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हमारी फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम अपनी HTML और CSS की सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हुए और बहुत से डिफरेंट टैग्स को आज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो अगेन मैं रिमाइंड करवा दूँ कि दिस सीरीज इज स्पॉन्सर्ड बाई नई सपा फाउंडेशन इन कोलेबोरेशन विद TP वर्ल्ड कराची एंड इज पावर्ड बाई माई चैनल विच इज़ नोट्स। एंड अगेन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे, नोट्स और नाइस्पा फाउंडेशन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिल रही होंगी ऑन अवर यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं अगली स्लाइड पे और डिस्कस कर लेते हैं आज का एजेंडा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम जो टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले हैं उसके अंदर HTML लिंक्स है। अब ऑल दो HTML लिंक्स हम पहले कवर कर चुके थे, लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है HTML लिंक का, जो हमने लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, तो वो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। देन हम सेकंड पॉइंट पर चेक करेंगे कि हम किसी भी HTML पेज को किस तरीके से क्लोन कर सकते हैं, और इसी तरीके से HTML में फेवरेट आइकन किस तरह लगाते हैं वो भी हम चेक करेंगे। फिर हम ब्लॉक एलिमेंट्स देख रहे होंगे, आई फ्रेम्स को देख रहे होंगे, इमेजेस को देख रहे होंगे और सेमेंटिक्स को देख रहे होंगे। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, तो विदाउट टाइम वेस्ट के चलते हैं और प्रैक्टिकली इन टॉपिक्स को वन बाय वन करके इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और वीएस कोड के अंदर मैंने फिलहाल एक एम्प्टी फोल्डर ओपन किया हुआ है वेबसाइट के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल जो है वो एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पर सिंपल आते साथ ही मैं एक HTML का बॉयल प्लेट कोड अप कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसका टाइटल चेंज करके लेट सपोज करें कर देते हैं कि माय फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, इस पॉइंट पर हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही मैं काम करता हूँ कि इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी साइट लाइव सर्वर में अप हो जाएगी और आप यहाँ पर मेरा जो टाइटल है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लास्ट टाइम आपको याद हो तो हम लोगों ने लिंक्स को डिस्कस किया था, लेकिन लिंक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट था जो अगेन मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था। अब वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ लिंक्स आप जो हैं वो एक फाइल से दूसरी HTML फाइल में इजीली नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एड टैग मेंशन करता हूँ, और यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोग HRF में बेसिकली जो है वो मेंशन कर रहे थे कि हम किस URL पे अपनी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस टाइम हम बेसिकली यहाँ पर इस HRF के एट्रीब्यूट के अंदर हम उस HTML फाइल का जो है वो नाम मेंशन करेंगे जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को नेविगेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर उसको नेविगेट करवाना चाह रहा हूँ टू माई होम पेज। ठीक है, अब यहाँ पर होम पेज के लिए मैंने अगेन होम पेज तो मेंशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर उस होम पेज का जो है वो फाइल का नाम भी मुझे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपल कर सकता हूँ होम डॉट HTML। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि होम डॉट HTML की फाइल अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है, तो इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अगेन सेम ही नाम से मैं होम डॉट HTML की फाइल क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर भी अगेन इसमें एक सिंपल HTML 5 का बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं। टाइटल में मैं कर दूंगा होम पेज। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल चेंज करने के लिए कुछ मैं यहाँ पर हेडिंग 1 बना के कह देता हूँ कि दिस इज माई होम पेज। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगेन हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, अगर दोबारा मेरे इंडेक्स डॉट HTML की फाइल में आए तो यहाँ पर मैंने एक लिंक का एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया, मतलब ये लिंक का बेसिकली टैग इस्तेमाल किया जिसमें मेरे पास HRF का एट्रीब्यूट है, उसमें मैंने बेसिकली होम डॉट HTML की फाइल की लोकेशन प्रोवाइड कर दी जो बेसिकली मेरी ये वाली फाइल है, और यहाँ पर मैंने सिंपल उसे कॉन्टेंट में होम पेज प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लिंक टैग बेसिकली ऑटोमेटिकली आपकी इस इंडेक्स डॉट पेज को रिप्लेस कर देगा विथ होम डॉट HTML पे, मतलब आपको नेविगेट करवा देगा। इसको आप टेस्ट आउट भी कर सकते हैं। तो अगेन चलते हैं अपने लाइव सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर जैसे ही मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने आपको ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया है। तो उस पॉइंट पर हम जहाँ पर खड़े हैं वो बेसिकली हमारा होम पेज है। ठीक है, और आप बैक भी जा सकते हैं यहाँ से सिंपली। ठीक है, बैक जाऊँगा तो अगेन मुझे मेरे इंडेक्स डॉट HTML के पेज पर ले आएगा, और अगर होम पेज पर क्लिक करूँगा तो मुझे मेरे होम पेज पर ले आएगा। और अगर आप होम पेज पर भी कोई लिंक लगाना चाह रहे हैं जो आपको इंडेक्स डॉट HTML के पेज पर दोबारा ले जाए, तो आप बेसिकली वो काम भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उस केस में मैं सिंपली ये पूरा टैग यहाँ से आप कॉपी कर लो और उसको होम डॉट HTML में ले जाओ और हेडिंग के नीचे यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। और यहाँ पर क्योंकि हमने होम पेज से दोबारा इंडेक्स पेज में जाना है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा इंडेक्स पेज, और इसको भी चेंज करके हम फाइल का नाम प्रोवाइड कर देंगे इंडेक्स डॉट HTML।
ठीक है, सेव कर लेते हैं और सेव करके आप इसको भी इजीली टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं होम रोड एचटीएमएल पे खड़ा हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये मेरे इंडेक्स पेज पे ले आएगा, और अगर जैसे ही मैं यहाँ पे होम पेज पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मैं होम पेज पे आ जाऊँगा। तो अगेन मैं बैक एंड फोर्थ इजीली नेविगेट कर सकता हूँ बिटवीन डिफरेंट एचटीएमएल फाइल्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम लोग लास्ट टाइम मिस कर चुके थे, तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करना इसको ज़रूरी समझा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगेन हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसी पॉइंट पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, अगर मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है टू क्लोन एनी एचटीएमएल पेज, और अगेन आप ये विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर कर सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह के मैं अगर दोबारा अपने ब्राउजर पे आऊँ और यहाँ पर लेट सपोज करें कि मैं कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं अपनी साइट ओपन कर लेता हूँ fakjavid.com, तो आप इजीली जाकर इस वेबसाइट का जो है वो क्लोन अपने कंप्यूटर में लोकली सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको शॉर्टकट की इस्तेमाल करनी होती है, वो है Ctrl+S। Ctrl+S का मतलब ये है कि आप इस वेब पेज को सेव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं अपने कीबोर्ड पर Ctrl+S को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक डायलॉग ओपन हो चुका है, और अगेन वो मुझे बता रहा है कि आप बेसिकली इस HTML फाइल को सेव करवाना चाह रहे हैं, portfolio.html। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं काम करता हूँ, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं portfolio.html को। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेव कर लेता रहता हूँ। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं कि मेरे पास portfolio.html ऑलरेडी एक्जिस्ट कर रही है। ये मुझसे पूछ रहा है रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो ठीक है यार रिप्लेस कर दो, ये हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, तो मेरा ख्याल ये वही फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई थी। ठीक है, और इस पॉइंट पर अगेन मैं इसको अगर Ctrl+J दबाकर मैं अपने डाउनलोड सेक्शंस में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली मुझे बता रहा है कि आपने portfolio.html की फाइल जो है वो डाउनलोड की है। तो उसको मैं शो इन फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपनी डेस्कटॉप की लोकेशन पे उस फाइल पे खड़ा हूँ। ठीक है, और डबल क्लिक करके आप इस फाइल को भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट वही वेब पेज शो हो रहा है जो आपको यहाँ पर afakjavid.com पे शो हो रहा था। ठीक है, बस यहाँ पर आपको डिफरेंस एक चीज़ का ये नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कुछ आइकन्स आपको मैंशन नहीं है। ठीक है, और सेकेंड ये है कि बेसिकली यहाँ पर URL की जगह पर आपको बेसिकली उस फाइल की लोकेशन मिल रही होगी। ठीक है, और अगेन आप इसको क्लोन कर कर इस वेब पेज को आप अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी एडिटिंग करके दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं, इस portfolio.html की फाइल को आप सिंपली राइट क्लिक करके जो है वो वीएस कोड के साथ भी आप एडिट कर सकते हैं, और अगेन आप किसी और एडिटर के साथ भी एडिट कर सकते हैं। मैं सिंपली नोटपैड इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हम सिंपली इसको एडिट कर रहे होंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, जब इसको फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, और ऑब्वियसली बात है हम ये फ्यूचर लेक्चर्स में कवर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर अगेन आप चाहें तो कुछ चीज़ें जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अफाक जावेद लिखा हुआ है, तो अगेन आप इस नाम को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस पॉइंट पे आपको अफाक जावेद नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर राइट क्लिक करके लेट सपोज करें कि किसी और इंडिविजुअल का नाम देना चाह रहा हूँ तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ कि आमिर अली। ठीक है, और आमिर अली करके अगेन इसको मैं Ctrl+S दबा के सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगर मैं दोबारा अपने ब्राउजर पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये हमने डायरेक्टली ब्राउजर में ओपन किया हुआ, इसको लाइव सर्वर के साथ अप नहीं किया हुआ, तो मुझे बेसिकली चेंजेस को रिफ्लेक्ट करवाने के लिए इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नाम जो है वो चेंज हो चुका है इंटू आमिर अली। ठीक है, और अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर हमने स्किल सीख ली है HTML की, तो हम प्रैक्टिस किस तरीके से करें। तो मेरी सजेशन को ये होगी कि आप कोई भी वेबसाइट को जाओ जो आपको अच्छी लग रही है, उसको सिंपली क्लोन करो, क्लोन करने के बाद उसके कोड को स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद उसमें अपने हिसाब से चेंजेस करो। ठीक है, और बकायदा उसके कोड को स्टडी करो कि उसने कोड को किस तरीके से जो है वो HTML के कोड को लिखा है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसने इंप्लीमेंट की हैं जो आपको नहीं पता थी। ठीक है, तो एक बेस्ट प्रैक्टिस में जो है वो चीज़ शामिल हो जाती है। ठीक है, तो उस पॉइंट पर हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट रैप अप होता है, जिसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली सीखा कि हम किसी भी वेब पेज को इजीली क्लोन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट से, और अगर आप मेरे स्लाइड्स पर देखें तो मेरा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली HTML का फेवरेट आइकन इम्प्लीमेंट करना, इसको फेव आइकन भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फेवरेट की शॉर्ट फॉर्म फेव आइकन। ठीक है, और फेव आइकन बेसिकली वो आइकन होता है जो अगेन आपके टैब पर डिस्प्ले हो रहा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर आप मेरे इस ब्राउजर पर आएँ तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है वो W3 स्कूल्स की वेबसाइट खोल ली है, जो हम पिछली तमाम सीरीज़ में रेफ़र भी कर रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको HTML के सेक्शन में जो है बेसिकली यहाँ पर आपको फेव आइकन का जो है वो
ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे मेन्यू, ठीक है। और जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो HTML के फेव आइकन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो फेव आइकन बेसिकली एक स्मॉल इमेज है, वो डिस्प्ले होती है नेक्स्ट टू द पेज टाइटल इन द ब्राउजर टैब, ठीक है। टैब से मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जिस तरह के यहाँ पर आप देखें तो ब्राउजर के टाइटल के साथ ये जो बेसिकली आइकन डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली कहलाता है फेव आइकन। और अगेन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही सिंपल है। सिंपली अगर मैं स्क्रोल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एक टैग प्रोवाइड किया हुआ है जिसके अंदर आपको बेसिकली इस HRF के एट्रीब्यूट के अंदर आपको आपकी आइकन की लोकेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, जहां पर आपको जो आइकन आपने रखना है, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन मैं इसको इंप्लीमेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं सिंपली काम करता हूँ, इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो फेव आइकन है अगेन ये हमने बेसिकली हेड के अंदर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, इसका बॉडी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ जो है वो जहन में रिमाइंड रखनी है, ठीक है, कि हम बेसिकली इस फेव आइकन को हेड में ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते साथ ही अगेन हम आ जाते हैं दोबारा अपने VS कोड के अंदर, और इसको अगेन आप हेड के अंदर हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये हेड का स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग टैग है, तो मैं एंडिंग से पहले इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो टैग इस्तेमाल हुआ है वो एक ही है, मतलब ये अनपेयर्ड टैग है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास तीन जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये है कि रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या, बेसिकली आइकन होने वाला है उसके अंदर। सेकंड पे आपने जो है वो टाइप प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसके ऊपर होवर भी करेंगे तो आपको बेसिकली ये VS कोड ऑटोमेटिकली जो है ना वो यहाँ पर आपको टेक्स्ट में बताता है कि ये एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन रहेगा दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द टाइप ऑफ कॉन्टेंट, कि आप कौन से टाइप कॉन्टेंट का टाइप लिंक करना चाह रहे हो। और यहाँ पे अगेन एक्स आइकन लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड एट्रीब्यूट पे अगेन आपके पास बेसिकली जो है वो लोकेशन होने वाली है कि आप कौन से आइकन को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर कोई भी आइकन मौजूद नहीं है, तो मैं काम करता हूँ सिंपली कोई आइकन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और फिर हम उस आइकन का जो है वो पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने फाइल एक्सप्लोरर पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ सिंपली एक फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ और हम कोई भी आइकन कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लेट्स सपोज करें पिक्चर्स के सेक्शन में हम कोई भी आइकन कॉपी कर लेते हैं। लेट्स से मैं अपने चैनल का आइकन कॉपी कर लेता हूँ, लेट्स नोट्स, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम दोबारा अपने VS कोड में आ जाते हैं, और अब हम इस फोल्डर को बेसिकली खोलेंगे। तो उसको खोलने का शॉर्टकट की होता है अल्ट शिफ्ट एंड आर, ठीक है। जैसे ही आप अल्ट शिफ्ट एंड आर खोलोगे तो आपको वही फोल्डर बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको सिंपली आइकन को पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नोट्स डॉट पीएनजी का जो आइकन है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं, और क्लोज करते साथ ही आपको अगेन ये आइकन यहाँ पर मैंशन हो जाएगा। आप इसको VS कोड में भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर ओपन अप हो जाएगा, और ये बेसिकली सिंपली मेरे चैनल का आइकन है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करते साथ ही अब मुझे क्या करना है, बेसिकली इस नोट्स के आइकन को मेंशन करना है यहाँ पे। तो मैं HRF के अंदर आऊँगा, ये सारी चीज़ें रिमूव करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर नोट्स डॉट पीएनजी को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमने अपना फेवरेट आइकन इंप्लीमेंट कर लिया है, और अगेन ये अगर आपने गौर किया हो तो हमने होम डॉट एचटीएमएल में इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ इस होम डॉट एचटीएमएल का, क्योंकि अभी कोई जो है वो नहीं है, रीज़न नहीं है इसको रखने का, तो मैं इसको इस आइकन को यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। इस होम डॉट एच टी एम एल को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद जो है वो हम एक काम करते हैं कि अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसको यहाँ पर आके मैंशन कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास एक ही एच टी एम एल फाइल हो, हम ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो रहे हो, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगेन इस लिंक टैग का काम खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने होम पेज को डिलीट कर दिया है, तो इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और सिंपल हेडिंग में यहाँ पर मैंशन कर देता हूँ कि इंडेक्स पेज है हमारा, ठीक है। इस पॉइंट पे इसको आप सेव कर लें, और सेव करते साथ ही अगेन हमने अपने जो इस फेवरेट आइकन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो भी इंप्लीमेंट कर लिए हैं। हमने एक आइकन भी यहाँ पे रख लिया है, और हम इसको राइट क्लिक करके सिंपली ओपन विद लाइव सर्वर में जाके हम इसको टेस्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर को यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इंडेक्स पेज जो है अब वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपको बेसिकली जो है वो सिंपली आपका नोट्स का जो आइकन है अब वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ अगर मैं तो आप इसको ईजिली देख भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको ये बेसिक आइकन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, नोट्स का। अगेन वो आइकन थोड़ा ब्लर लग रहा है, लेकिन हमने ईजिली इसको यहाँ पर प्लेस कर लिया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो फेवरेट आइकन का कॉन्सेप्ट है वो रैप अप होता है। अगर आपको यहाँ पर अपने वेबसाइट के मुताबिक कोई भी आइकन लगाना है तो आप इजीली जो है विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक टैग आप इजीली वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे चलते हैं हमने हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट से, और हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली HTML
ब्लॉक्स, ठीक है। और अगेन ब्लॉक्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ये तो समझ लीजिए कि एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम दोबारा चलते हैं हमारे वेब प्रोसेसर की तरफ, और यहाँ पर अगर आप मेरी दोबारा W3 स्कूल साइट पे आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स का जो है वो सेक्शन मैंने यहाँ पे खोल के मैंशन किया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि बाई डिफॉल्ट HTML आपको दो किस्म के एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। एक कहलाते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, और इसी तरीके से एक आपके पास कहलाते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। और दोनों में बस एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं, और जो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेम ही लाइन से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो आप इसको अगेन ट्राई आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो इस पूरे वाइट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने तमाम के तमाम ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को यहाँ पे मैंशन किया हुआ, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगेन मैं ये जो पैराग्राफ का टैग है ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हम इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोबारा जाता हूँ अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आते साथ ही मैं एक पी टैग बना लेता हूँ, और लेट सपोज करें मैं 4-5 P टैग बना लेता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे हो गए, ठीक है। और इनको हम एक ही जो है ना साथ राइट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लेट सपोज करें कह देता हूँ कि दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, वन, ठीक है। लेट सपोज करेंगे दिस इज पैराग्राफ्स या कुछ भी हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वो मेन हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही अगेन अगर आप इसको अपने लाइव सर्वर पे चेक करेंगे तो आपको जो है ना वो सारे के सारे पैराग्राफ्स आप देख सकते हैं कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। हर एलिमेंट जो है बेसिकली वो एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि ये पी जो है वो बेसिकली एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कमेंट्स में कि ये बेसिकली जो वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है, इट्स ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और इस पॉइंट पे अगेन आप जो है वो अपने इनलाइन एलिमेंट्स को भी ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर अगेन मैं कॉमेंट सेक्शन में अपने इनलाइन एलिमेंट्स को भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट्स को ट्राई आउट कर लेते हैं, और इनलाइन एलिमेंट्स अगेन एक सेम ही लाइन से स्टार्ट हो रहे होते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर अगेन उसी तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर तमाम के तमाम इनलाइन एलिमेंट्स को मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ स्पैन के एग्जाम्पल को ट्राई आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैं इनलाइन एलिमेंट्स के कॉमेंट के बाद यहाँ पर एक स्पैन बना लेता हूँ, और स्पैन के बाद अगेन हम 4-5 स्पैन साथ में बना लेते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कि दिस इज स्पैन कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी हम सेव कर लेते हैं। तो सेव करते साथ ही अगेन आप इस चीज़ को भी लाइव सर्वर पर टेस्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर मैं अपने लाइव सर्वर पर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे अगेन ये सारे के सारे जितने भी स्पेन्स हैं ये सेम ही लाइन में मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। तो सेम ही लाइन में आ रहे हैं, इस वजह से ये इनलाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं तो ये न्यू लाइन में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक लेवल एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये कॉन्सेप्ट हमारा रैप अप होता है, और चलते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली आई फ्रेम्स, ठीक है। आई फ्रेम्स बेसिकली क्या होते हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे चलते हैं अगेन W3 स्कूल्स पे, और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने HTML आई फ्रेम्स का सेक्शन खोला हुआ है। और आई फ्रेम्स को आप सिंपली जो है ना वो एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आई फ्रेम बेसिकली इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, ठीक है। अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कोई और वेबसाइट शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेसिकली आई फ्रेम्स इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जाम्पल भी जो है वो करके दिखा दी है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने W3 स्कूल्स के अंदर ही W3 स्कूल्स की जो है वो वेबसाइट आपको यहाँ पर शो करवाई हुई है, ठीक है। और उसको शो करवाना बिल्कुल सिंपल है। आपके पास बेसिकली आई फ्रेम का टैग होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई फ्रेम का टैग है। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक में सोर्स है, एक में टाइटल है, ठीक है। सोर्स में आप बेसिकली मेंशन कर रहे होते हैं उस वेबसाइट का URL जो आपने शो करवानी है, ठीक है। तो हम इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करते साथ ही अगेन हम चलते हैं दोबारा अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आते साथ ही मैं ये सारी चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और अगेन यहाँ पर आप सिंपली इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और पेस्ट करते साथ ही अगेन टाइटल में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप इस पे ऊपर होवर करेंगे तो आपको जो है वो बता देगा कि इस टाइटल एट्रीब्यूट का बेसिकली मकसद क्या है, ठीक है। तो अगेन कंटेन्स अ टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग एडवाइजरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एलिमेंट एंड ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली यूँ समझ लें कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करना चाह रहे हैं एज अ टूल टिप, ठीक है। तो अगेन लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि इट्स अफाक जावेद पोर्टफोलियो कर लेते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो। और सोर्स के अंदर मैं काम करता हूँ यहाँ पर जो है वो हम कर लेते हैं HTTP, ठीक है, S/Afaqjaved.com,
ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, ओवरऑल जो है वो एक आई फ्रेम का टाइप बन चुका है जिसमें दो ही एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स और टाइटल। ठीक है, इस पॉइंट पे आप इसको सेव कर लो और सेव करते साथ ही आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो ऑन योर लाइव सर्वर। तो जैसे ही मैं इसको लाइव सर्वर पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये छोटी से पोर्शन में मेरी जो वेबसाइट है वो शो हो रही है। और अगेन यहाँ पर ये छोटी शो हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास आई फ्रेम के अंदर बाई डिफॉल्ट दो एट्रीब्यूट होते हैं जिसके थ्रू आप इसकी वेड्थ और हाइट जो है वो सेट कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, वेड्थ इसको कर देते हैं 600 और इसी तरीके से मैं हाइट को भी जो है वो कर देता हूँ 600D कर लेते हैं। ठीक है, और इस पर आप सेव कर लो, सेव करके अगर दोबारा लाइव सर्वर पर जाओगे तो आपको थोड़ी सी है बड़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। और इस पॉइंट पर आप देख सकते हो कि आपका जो वेब पेज है वो इजीली यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है जो मैंने यहाँ पर शो करवाया है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है कि समटाइम्स जब हम किसी बिग एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर रहे होते हैं, मतलब जिस तरह गूगल या फेसबुक वगैरह, और अगर आप उनके पेजेस को अपने वेब पेज के अंदर शो करवाना चाह रहे होते हो तो उन्होंने समटाइम्स वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं। ठीक है, तो यूट्यूब के केस में आप मेरे ख्याल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूट्यूब में ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाते हैं और यूट्यूब पर जाकर लेट सपोज करें मैं कोई भी अगर अपने चैनल की वीडियो लगाना चाह रहा हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट आपको यूट्यूब वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ कोई भी वीडियो, लेट सपोज करें कि वाई नेस्ट जेएस। ठीक है, और अगेन ये मैंने ऑलरेडी सीरीज बना के रखी हुई है अपनी चैनल के ऊपर। अगर आप इस कीवर्ड से इसको सर्च करेंगे तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ नंबर पे मेरी वीडियो रैंक कर रही है नोट्स पे। ठीक है, तो अगेन आप इसको क्लिक करके, और मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं अपनी ये रैंक्ड वीडियो जो है बेसिकली वो शो करवाऊँ अपने वेब पेज के अंदर, तो अगेन फिलहाल की मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। और तो इसको शेयर करवाने का तरीका ये है कि आपको अगेन यहाँ पर एक शेयर के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस शेयर के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, लेकिन हम जो ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे होंगे वो ये बेसिकली एम्बेड का ऑप्शन होगा। ठीक है, जैसे ही आप इस एम्बेड के ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली वो जो है वो एक आई फ्रेम का टैग ऑलरेडी बनाकर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपके यूट्यूब वीडियो का लिंक है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके मैं काम करता हूँ कि जो है वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देते हैं इस यूट्यूब को। ठीक है, और बंद करने के बाद अगेन हम चलते हैं दोबारा अपने इस आई फ्रेम में, सॉरी अपने वीएस कोड में, और यहाँ पर अगेन आप इस आई फ्रेम को यहाँ से रिमूव करके वो वाला आई फ्रेम जो आपने कॉपी किया था उसको आप पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसको आप यहाँ पे सेव कर देते हैं। ठीक है, तो सेव करते साथ ही अगेन चलते हैं दोबारा अपने लाइव सर्वर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लाइव सर्वर रिलोड हो रहा है और आपकी तकरीबन जो यूट्यूब वीडियो जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। और अगेन आप इसको यहाँ पर प्ले भी कर सकते हैं तो इसी पॉइंट पे वो हिसाब से प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML के आई फ्रेम्स का। ठीक है, और अगेन अगर ये बहुत कम ही हमने मैंने तो बेसिकली इसको बहुत कम ही अपनी वेब डेवलपमेंट की करियर में इसको इस्तेमाल किया है, लेकिन अगेन एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो मैंने कहा मैं आप लोगों को उसके बारे में बता दूँ। ठीक है, तो अगेन ये कॉन्सेप्ट हमारा रैपअप होता है और इस पॉइंट पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, इस पॉइंट पे जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो है HTML इमेजेस। और समहाउ अगर आपको ऑब्वियस ही बात है आपको वेबसाइट्स में अगर इमेजेस शो करवानी पड़ती हैं तो आप उसको HTML के थ्रू किस तरीके से शो करवा सकते हैं यही हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगेन हम चलते हैं W3 स्कूल्स पे, और यहाँ पर अगेन आपको HTML इमेजेस का पूरा एक सेशन मिल जाएगा। इसको क्लिक करके जो है वो आप फर्दर इसको चेक आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल करते हुए आप बेसिकली इमेजेस को अपने वेबसाइट्स पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगेन बहुत ही सिंपल एक टैग है जिसके अंदर अगेन ये इमेज का टैग होगा जिसमें दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, सोर्स के और अल्टरनेटिव के, और आप यहाँ पे इसको सिंपली कॉपी करवा कर अगेन आप इसको अपनी HTML में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके अगेन ले आता हूँ हमारे इस वीएस कोड के अंदर, और अगेन हम यहाँ पे इस काम करता हूँ उसको मैं आई फ्रेम को रहने देता हूँ फिलहाल के लिए। हम यहाँ पर इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक में आपके पास सोर्स का एट्रीब्यूट है और दूसरे में आपके पास ये अल्ट का एट्रीब्यूट है। और अगेन ये आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि दिस एट्रीब्यूट्स डिफाइन एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, मतलब समहाउ अगर आप इमेज आपकी डिस्प्ले नहीं होती तो ये टेक्स्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट सपोज कर लिख देता हूँ नोट्स, चैनल, लोगो,
ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इमेज हम लोग डिस्प्ले करवाने वाले होंगे वो अगेन मेरी ये नोट्स डॉट पी एन जी होगी, ठीक है। इसी इमेज इमेज को डिस्प्ले करवाएंगे अपनी साइट के ऊपर, और यहाँ पे अगेन सोर्स के अंदर मुझे बेसिकली इस इमेज की लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो क्योंकि मेरी इमेज सेम फोल्डर में पड़ी हुई है तो मैं सिंपली नोट्स डॉट पी एन जी को मैंशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही अगेन मैं काम करता हूँ, इसको लेके चलते हैं हम अपने लाइव सर्वर। मेरा ख्याल लाइव सर्वर मैंने शायद बंद कर दिया था, तो अगेन हम राइट क्लिक करके एक दफ़ा स्टॉप कर लेते हैं लाइव सर्वर को, और राइट क्लिक करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे आपका लाइव सर्वर अप हो रहा है, और जैसे ही अप होगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी इमेज शो हो रही है, जो बेसिकली मेरे चैनल का लोगो है, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो आपको वाई फ्रेम में वीडियो नज़र आ रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन आपको अगर इमेजेस इस्तेमाल करनी है तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगेन इमेजेस में भी आपको विड्थ एंड हाइट का एट्रीब्यूट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी कस्टम विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज करें कि विड्थ एंड हाइट को 200 200 कर देता हूँ, और सेव करवा कर अगर आप इसको टेस्ट आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज है वो छोटी हो चुकी है, ठीक है, और ये समहाउ कुछ हद तक सही लग रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये हमारे इमेजेस का कॉन्सेप्ट भी रैप अप होता है, और अगेन इसको आप फर्दर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिफरेंट इमेजेस को आप ट्राई आउट करके देखें कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताइएगा। तो अगेन ये था हमारा एचटीएमएल इमेजेस का कॉन्सेप्ट, और इस पॉइंट पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली एचटीएमएल सेमेंटिक्स, और सेमेंटिक्स बेसिकली यूँ समझें कि इसका कोई प्रैक्टिकली कोई इसकी प्रॉपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन ये वो टैग्स हैं बेसिकली जो आपको आपकी एचटीएमएल को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर डब्ल्यू थ्री स्कूल्स की साइट पे आएँ तो आपको यहाँ पर एचटीएमएल सेमेंटिक्स का सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एचटीएमएल सेमेंटिक्स का सेक्शन है, और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है ना वो एक सिंपल लाइन में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेमेंटिक एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एलिमेंट्स विद द मीनिंग, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट्स को आप एक मीनिंग दे दो तो वो बेसिकली आपका जो है वो सिमेंटिक टैग बन जाता है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिस तरह डिव एंड स्पैन, जो आपको जो है ना वो कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बता रहे होते, कि मतलब इसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हो, वो कंटेंट रिलेटेड नहीं होते, ठीक है। और अगेन इस पॉइंट पर अगर मैं इसको स्क्रोल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं उसके कुछ टैग्स उन्होंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल साइट डिटेल्स, और ये टैग के नाम को पढ़ते ही आपको आइडिया हो रहा है कि इस टैग के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड जो है वो कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप देखें हेडर है तो हेडर टॉप पे होता है, और यहाँ पर आपको हेडर का जो है वो टैग मैंशन है। इसी तरीके से नैव में नेविगेशन बार होती है तो नैव का टैग मैंशन है, और फिर हमारे पास सेक्शन होते हैं, साइड बार्स होती है, फुटर होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे टैग्स अगेन इनका कोई खास मकसद होता नहीं है, इनको सिर्फ हम एचटीएमएल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम प्रॉपरली अपने एचटीएमएल को डॉक्यूमेंट कर सकें, ठीक है। तो आप लेट सपोज करें कि इसको आप सिंपली अपने एचटीएमएल में किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर लेट सपोज करें मैं इसको यहाँ पर अगर क्लोज करता हूँ तो सारी की चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दी, और आप सिंपली यहाँ पर अगर लेट सपोज करें स्टार्टिंग में हमारे पास नेविगेशन बार होती है तो आप यहाँ पर नेविगेशन का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन यहाँ पर मेरे पास मेरा जो मेन सेक्शन होता है तो मैं यहाँ पे सेक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। उसी तरीके से सेक्शन के बाद मेरे पास फुटर होता है तो अगेन मैं यहाँ पे फुटर को भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है ये सिंपल टैग्स हैं, लेकिन यहाँ पर इनको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि यहाँ पर मैं बेसिकली जो अगर कल को कोई और डेवलपर अगर मेरे इस कोड को स्टडी करेगा तो उसे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरी नेविगेशन बार का जो है वो कॉन्टेंट है, और इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे सेक्शन का कॉन्टेंट है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे फुटर का कॉन्टेंट है, ठीक है। तो कोड की रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, उसको अंदाजा हो जाएगा। ऑल्दो ये काम आप जो है वो कमेंट से भी कर सकते हैं कि आप उसे बता दें कि यार ये यहाँ से मेरी नेविगेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ से मेरी नेविगेशन बार जो है वो एंड हो रही है, ठीक है। ये आप कमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एचटीएमएल में अगर ये फिजिबिलिटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन सेमेंटिक टैग्स की मदद से आप इन चीज़ों को लिखें ताकि उससे चीज़ों को पढ़ने में बाकी डेवलपर्स को जो है वो आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिकल कोई मेरे ख्याल इंप्लीमेंटेशन नहीं बनती। तो फिलहाल के लिए आई थिंक द कॉन्टेंट इज इनफ, और हमने तकरीबन अगर दोबारा अपने स्लाइड्स पे आए तो तकरीबन टॉपिक्स हमारे कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्दर एचटीएमएल को कवर कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट्स। इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट्स सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।